अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ा शाहिद और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। व्यूवर्स, सभी लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं और वो चाहते हैं कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हों, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो ड्रीम्स हैं वो अपनी कंट्री के साथ एसोसिएटेड होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज के रिजल्ट्स आए हैं CSS एग्ज़ाम्स के, और उसी से रिलेटेड हमारे साथ मिस्टर हाशिम मसूद इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने CSS के रिजल्ट्स में टॉप 15 पोजीशंस में से एक हासिल की है। तो सर, काइंडली अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें। फिजा, माय नेम इज़ हाशिम मसूद एंड आई बिलोंग टू लाहौर। अभी जो रिसेंट CSS का रिजल्ट आया है, आई हैव ऑब्टेन 15th पोजीशन ओवरऑल इन पाकिस्तान एंड आई हैव बीन एलोकेटेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। माय इनिशियल एजुकेशन वाज बाय माय पेरेंट्स, उसके बाद आई डिड मैट्रिक फ्रॉम द पंजाब स्कूल, डिड FSC फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड देन आई वेंट टू लम्स। लम्स पे आई वाज ऑन 100% स्कॉलरशिप एंड आई डिड मैनेजमेंट साइंस एज अ मेजर। After graduation from LUMS, I wanted to do CSS, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहनत कबूल की एंड द रीसेंट CSS रिजल्ट्स आई बीन सक्सेसफुल एंड विल कंट्रीब्यूट एज मोर एज आई कैन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सर, जब आपको आपने अप्लाई करना था तो व्हाट वाज योर बेसिक मोटिवेशन, मतलब क्या एक आपका स्पार्क था फॉर CSS? मैडम, दो मोटिवेशंस थी। नंबर वन, इट वाज ड्रीम ऑफ माय फादर। जब मैं छोटा सा था तभी से माय फादर यूज़ टू टेल मी कि बेटा यू हैव टू डू CSS, तो उनका एक ड्रीम पूरा किया मैंने। और नंबर टू, आई वाज ऑन 100% स्कॉलरशिप एज आई टोल्ड अर्लियर, तो आई वांटेड टू पे बैक टू द सोसाइटी एंड CSS इज़ द बेस्ट वे टू पे बैक टू द सोसाइटी। जब आप CSS कर लेते हैं और सिर्फ आप अपनी जॉब को ही अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, तो आप बस समझें कि आप चलती फिरती NGO हैं। बीइंग ए PAS ऑफिसर, मैंने एक तहसील में भी काम करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करना है, आई विल वर्क ऑन प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल, आई विल बी इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिसी मेकिंग एज इन हेल्थ, इन साइंस, इन एजुकेशन, इन एनवायरनमेंट, आई वुड बी कंट्रीब्यूटिंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। तो दिस वॉज द प्राइम मोटिवेशन कि मैं सोसाइटी को पे बैक कर सकूँ। सर, जो CSS एस्पायरेंट्स हैं उनके अंदर एक CSS का चार्म होता है, एक मतलब मोटिवेशन होती है कि उन्होंने भी CSS करना है। तो सर, उसका प्रोसीजर क्या होता है, लाइक वो क्या प्रोसीजर फॉलो करें? मैडम, प्रोसीजर ये होता है कि हर साल सितंबर में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC अनाउंस करता है जी कि वो फरवरी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा CSS के। एक महीने की डेडलाइन होती है, उसमें आपने FPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है। जब आप वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तो जो आपने एप्लीकेशन फिल की होती है उसका प्रिंट लेके और साथ रेलिवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के यू हैव टू सेंड इट टू FPSC बिफोर द डेडलाइन। उसके बाद जी फरवरी में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स होने के बाद उसी साल सितंबर में या अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाता है। इस साल पिछले साल नवंबर में आया था रिटन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट। रिटर्न जब एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, मेडिकल असेसमेंट होती है, फिर इंटरव्यू वगैरह होते हैं, और जून में, मतलब अगले साल जून में, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। इस साल भी अभी हमारा मई में और जून में रिजल्ट आता है। तो यानी कि ये एक पूरे एक साल का प्रोसीजर है आपको लग जाता है? ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि डेढ़ पौने दो साल का ये प्रोसीजर है। तो सर, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अभी आपने बात की कि हमारे रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सर उनमें सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जिनके, मतलब जिनकी प्रिपरेशन में और उनको पास आउट करने में डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं? मैडम, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट ईजी नहीं होता। आपकी जिस भी सब्जेक्ट को ईजी लेंगी उसमें आपका स्कोर कम आएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा ईजी ले लिया तो आप फेल भी हो सकते हैं। लेकिन तीन एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि भाई वो बहुत टफ हैं। नंबर वन इंग्लिश ऐसे, नंबर टू इंग्लिश प्रेसी एंड नंबर थ्री इस्लामिक स्टडीज़। तो इनकी जब आप, मतलब आपने प्रिपरेशन की, तो आप कोई, मतलब क्योंकि आपने पास आउट कर लिया माशाल्लाह अच्छी पोजीशन के साथ, तो आप हमें कोई ऐसी टिप्स दें जिनसे हम इन सब्जेक्ट्स को, जो तीन टफ सब्जेक्ट्स हैं, इनकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें? सबसे पहले हम इस्लामिक स्टडीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ के जो FPSC ने सिलेबस दिया है उसको आप किसी वर्ड की फ़ाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल पर कॉपी कर लें, पिछले 10 साल के पास पेपर्स खोलें और हर पास पेपर का हर क्वेश्चन देखें कि जी 2010 में एक क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो सिलेबस के किस हेडिंग में फॉल करता है। आप उसको क्वेश्चन पेपर से कॉपी करें और उस वर्ड फाइल के नीचे पेस्ट कर दें और आगे साल लिख दें। 2010 के भी इसी तरह से एनालाइज करें, 11 के भी करें, 12 के भी करें, और आते हुए 2021 तक आ जाएं।
जब आप ये एनालिसिस पूरा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस्लामिक स्टडीज़ के किस टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, किस टॉपिक को किस डायमेंशन से एग्जामिनर कवर कर चुका है, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स कम पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत फेयर आइडिया हो जाता है कि किन टॉपिक्स पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है, किन टॉपिक्स पे थोड़ी रिलेटिवली कम तवज्जो देनी है, और किसको किस किस डायमेंशन से किसी टॉपिक को पूछा जा सकता है और आपने उसको तैयार करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्लामिक स्टडीज़ को पास करने के लिए कि हम कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिखाते हैं, बिकॉज हम बचपन से इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो हम बस अपने हाथ से जो हमारा इस्लाम के बारे में कॉन्सेप्ट होता है वो हम उस पर लिख आते हैं, लेकिन इससे आपके मार्क्स नहीं आते और आपके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ को पास करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको आयात याद करनी पड़ेंगी, आपको रेफरेंसेस याद करने पड़ेंगे, आपको अहादीस याद करनी पड़ेंगी, और रेलिवेंट टाइम पे रेलिवेंट मौके पे वो आपको अपने आंसर में इंसर्ट करनी पड़ेंगी, आपको उनका रेफरेंस देना पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स ने इस्लाम की फेवर में बुक्स लिखी हैं या जो नॉन मुस्लिम्स की इस्लाम की फेवर में कोटेशंस हैं उनको लाजमी प्रिपेयर कीजिए और अपने आंसर में किसी न किसी जगह उसको फिट इन कर दीजिए जहाँ पे उनकी ज़रूरत हो। इससे एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ही इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन द एग्ज़ाम इज़ अ वेल रेड पर्सन। तो आई थिंक दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इस्लामिक स्टडीज़। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो आप स्टोरीज़ ना लिखें, आप सिर्फ आयात अहादीस हेडिंग्स और वो जो मैंने आपको कोटेशंस बताई हैं ये चार पांच चीज़ें ही अगर आप लिख लेते हैं तो ऑन द स्पॉट एग्ज़ाम में बैठ के आप उसकी जो थ्योरी है वो खुद से लिख लेंगे, लेकिन आयात आप खुद से नहीं लिख सकते। तो जो याद करने वाली चीज़ है वो आयात अहादीस और कोटेशंस वगैरह। मतलब रिटन एग्ज़ाम में यू हैव टू बी टू द पॉइंट, आपको सिर्फ जो जितना चीज़ रेलिवेंट है वही लिखनी है और उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ लिखना है। जी मैडम, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम। इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम आपने इस तरह से लिखना है कि आपकी बड़ी सिंपल, खूबसूरत और टू द पॉइंट लैंग्वेज हो। सिंपल का मतलब ये है कि आपकी वोकेबलरी उसको एग्ज़ामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने घुसाई हुई है। खूबसूरत लैंग्वेज में उसको कहता हूँ कि जो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड के थ्रू आपके हैंड्स में से आपकी राइटिंग से आपके पेपर में आए, और वही कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में था एग्जामिनर के पढ़ने की वजह से उसके माइंड में चला जाए। तो वट एवर मैसेज यू हैव इन योर माइंड एग्जामिनर को हु बहू वही मैसेज आपका एग्ज़ाम से मिलना चाहिए। तो दिस इज़ वट आई कॉल ब्यूटिफुल राइटिंग। उसके बाद टू द पॉइंट, जो टॉपिक पूछा है, जो क्वेश्चन आया है, आपने उसको एड्रेस करना है। आपने तमहीद बांधना शुरू नहीं कर देना ऐसे में, डायरेक्टली आपने फर्स्ट सेंटेंस से आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि आपने टू द पॉइंट या रेलिवेंट लिखा है या नहीं, आपकी ग्रामर कैसी है या नहीं है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने अपने पहली लाइन से, ऐसे कि पहली लाइन से आपने टॉपिक को हिट करना है। ये मैडम कभी कभी ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जी पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम जो है अपने थीसिस स्टेटमेंट या टॉपिक की तरफ आएंगे, तो ऐसा जो ऐसे है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो फेल हो जाएगा। तो आपको टू द पॉइंट रहना है, आपको सिंपल सादा लिखना है, इस तरह से सादा लिखना है कि आपका पढ़ा हुआ ऐसे, आपका लिखा हुआ सॉरी ऐसे, एक मैट्रिक का स्टूडेंट आराम से पढ़ के समझ भी जाए और उसको बहुत इंस्पायरिंग और अच्छा भी लगे। As far as English Pressy is concerned, English Pressy के अंदर 50 marks का objective portion होता है, जिसके अंदर 20 marks के MCQs होते हैं और फिर आपकी 30 marks की कुछ भी वो grammar पूछ सकता है, direct indirect पूछ सकता है, वो active voice passive voice पूछ सकता है, वो punctuations पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, prepositions पूछ सकता है, pair of words पूछ सकता है, idioms पूछ सकता है। तो आपने अगर उस 50 मार्क्स के पोर्शन में से 30-35 ले लिए तो आई वुड कंसीडर कि आप इंग्लिश प्रेसी के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सेफ हैं। अगर आपकी कोई बहुत बुरी ग्रामर नहीं है तो वो आपको पास कर देगा। तो मैडम ये तीन सब्जेक्ट्स जो है ना, इस्लामिक स्टडीज़ का, एसे का और प्रेसी का, ये सबसे मुश्किल तसव्वुर किए जाते हैं, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। अच्छा सर, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और कुछ होते हैं जो आपने ख़ुद पिकअप करने होते हैं, तो जो
आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को लाइक CSS का एग्ज़ाम पास आउट करने के लिए? ये उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है या कुछ वो मतलब इस तरह से भी चूज़ कर सकते हैं कि ये इजी सब्जेक्ट्स है तो हम इन्हें चूज़ कर सकते हैं या ये टफ है इनको छोड़ सकते हैं? मैडम, कोई भी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको चूज़ करने के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर वन, आप देखें जी कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह आई वॉज अ मैनेजमेंट साइंस स्टूडेंट, तो मेरे लिए अकाउंटिंग पढ़ना मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना मुश्किल नहीं था। और तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी कि पॉलिटिकल साइंस रख लें या आप कोई गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी रख लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत लंबा है। बट आई हैड फर्म बिलीव इन माई एजुकेशन, इन माई एकेडमिक बैकग्राउंड एज वेल एज इन माई एबिलिटीज, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे गया, अकाउंटिंग मैंने रखी, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा। ये एक चीज़ होगी कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का जो सब्जेक्ट है उसको आप कभी ना उसको छोड़ें, आप हमेशा उसको ऑप्ट करें। अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका उसमें बहुत अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं जी कि ये तो मेरा घर का सब्जेक्ट है, ये तो मैं कर ही लूँगा, तो फिर उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा। दूसरा, आपको इंटरेस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपको जहन में रखना पड़ता है। अगर मुझसे कोई कहे जी कि मैं लेट्स सपोज ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ लूँ या मैं यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ लूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैं नहीं पढ़ सकता। या मुझे कोई कहे कि उर्दू लिटरेचर पढ़ लो, मुझे ऑल्दो ऑल रिस्पेक्ट टू दोज हु लव उर्दू लिटरेचर, लेकिन मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसको पढ़ ही नहीं सकता। मैं किस तरह से उस पर 6-6 घंटे या 10-10 घंटे उर्दू लिटरेचर पर लगा दूँ? तो दूसरा, अपने इंटरेस्ट को ज़रूर जेन में रखें। जब आप 2-3 सब्जेक्ट्स में आपका टाई हो जाए तो फिर आप उस सब्जेक्ट की तरफ जाएं कि जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। उसके अलावा फिर अगर आप समझते हैं कि कोई आपका ऐसे 1-2 सब्जेक्ट्स बच गए हैं जिसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं कि आपको नहीं पता कि आप ये रखें या ये रखें, तो उसके अंदर आप पिछले 2-3 साल का स्कोरिंग ट्रेंड देख लें कि किस सब्जेक्ट में स्कोर ज़्यादा आता है, किस सब्जेक्ट में रिलेटिवली स्कोर कम आता है, तो फिर आप स्कोरिंग ट्रेंड पर जाते हुए जो आपका 1-2 सब्जेक्ट रह गया उसको आप टॉप कर सकते हैं। एक चीज़ ऑप्शनल्स की तैयारी के लिए बहुत अहम है, वो ये है कि उसका भी इस्लामिक स्टडीज़ की तरह आपने एनालिसिस करना है बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। आप अपना सिलेबस देखें जो FPSC की वेबसाइट पे मौजूद है, उसको कॉपी पेस्ट कर लें वर्ड की फाइल पे, और फिर पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें कि किस टॉपिक से किस किस तरह का सवाल आता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को एग्जामिनर किस किस डायमेंशन से कवर करता है और कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टच करता है और कौन से टॉपिक्स को वो थोड़ा इग्नोर करता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं। तो 70% ऑफ द टॉपिक्स को आपने इस तरह से तैयार करना है कि यू हैव टू टॉप, आपसे अच्छा हो किसी ने ना किया हो। बाकी जो 30% ऑफ टॉपिक्स हैं उनको आप इस तरह से तैयार कर लें कि किसी एक अच्छी रिकमेंडेड किताब से उसके जो है 1 पेजर्स या 1/2 पेजेस पे उसकी हेडिंग्स वगैरह बना के इस तरह से अपने माइंड में रख लें कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि उस 30% में से सारा कुछ आ जाए, बहुत ही ऑड एग्ज़ाम आ जाए, तो फिर आप एटलीस्ट इस पोजिशन में हों कि आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकें। और सर, जैसे आपने अभी बात की कि आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि आपने टॉप करना है, तो आई पर्सनली मैं भी यही सोचती हूँ कि जब आपको 100% चाहिए ना तो आपको प्रिपरेशन 200% की करनी पड़ती है, तो ही आपको 100% कहीं जाके मिलता है। मैडम, इसमें ये है कि जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है ना उसमें 7 सवाल आते हैं और उसमें से 4 करने होते हैं इन मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स। तो जो 3 सवाल मेरा ख्याल है कि वो आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको 7 के 7 आते हो ना, आप तब भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जी ये वाला करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। तो अगर आपको 5 सवाल आते हैं तो मैं समझता हूँ आपने CSS की बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। तो सिर्फ 5 सवाल तक अपनी तैयारी को रिस्ट्रिक्ट रखें। आइडियली तो हाँ, 7 के 7 करने चाहिए, बट लिमिटेड टाइम होता है। मेरे पास खुद मैक्सिमम 4 महीने थे तैयारी करने के लिए, तो उसमें मैंने तो यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी कि 70-75% आप ऐसा तैयार करें कि आपने टॉप करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता किस तरह से चलेगा कि 70% कौन सा है और 30% कौन सा है? जो आप पास्ट पेपर एनालिसिस करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 70% टॉपिक्स कौन से हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट 30% टॉपिक्स कौन से हैं। अच्छा सर, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोई डूज और डोंट्स जो CSS एस्पायरेंट्स को करने चाहिए, कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए। जी, अगर हम डूज की बात करते हैं तो पहला डू ये है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें। अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो आप डॉन से भी पढ़ें, अल जज़ीरा से भी पढ़ें, आप द डिप्लोमेट से भी पढ़ें, द गार्डियन से भी पढ़ें, और आप टॉपिक्स को कवर करें। सिर्फ ये नहीं कि अखबार आया जी, अखबार अच्छा इस पे क्या है जी,
इसमें आज ये हो गया, आज ये हो गया, और कल किसी को याद भी नहीं होगा कि अखबार में क्या पढ़ा था। इस तरह से मत कीजिए। आप इस तरह से कीजिए कि 20 से 25 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, SCO है, UN है, SAARC है, ASEAN है, OIC है, इनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल्ड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। और फिर कुछ ऐसे नेशनल लेवल के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट है, फॉर एग्जांपल आपके वाटर इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल न्यू प्रोविंसेस का जो हमारे हाँ डिबेट चलती है, प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम है, आपकी नेशनल इंटीग्रेशन है, एक्सट्रीमिज्म है, कुछ इस तरह की जो चीज़ आपके कुछ टॉपिक्स हैं उनको उनको यू हैव टू कवर इन मोर डिटेल। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों तो आप उन टॉपिक्स के नीचे जो नई आने वाली इंफॉर्मेशन है वो मोटी मोटी चीज़ें आप अपनी वर्ड फाइल्स पे या अपने रजिस्टर्स पे वो लिख लिया करें। इससे ये होगा कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो अप टू डेट भी रहेगा और आपके टॉपिक्स पे तैयार होते रहेंगे। और सर इसके अलावा ये कि जो नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स, तो एक डू मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि एक तो रिकमेंडेड जो है वो बुक्स को कंसल्ट करें, जो भी आपको कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार करने लगते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम कोशिश करें कि जो आपकी रिकमेंडेड किताबें हैं उससे ही आप टॉपिक्स कवर करें। सारी रिकमेंडेड किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनमें से टॉपिक्स ढूंढें। आप जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं उसको आप देखें कि कौन सा टॉपिक इस बुक में मौजूद है, कौन सा टॉपिक इस बुक में मौजूद नहीं है, तो आप उसके अंदर से सिर्फ देख लें कि ये टॉपिक मैंने कवर करना। टॉपिक्स पे जाएं, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया जी कि डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ें और रिकमेंडेड रीडिंग से पढ़ें। और ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं, मैडम आपके क्वेश्चन का आंसर भी इधर ही हो जाएगा, जो आप नोट्स बनाते हैं तो आपने टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं। कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं जी कि पहले आप लेंथी नोट्स बनाएं जो कि आपके 8-8, 10-10, 12-12 सफ़ों पे हों, और फिर एंड पे आप जनाब रिवीजन करते करते वन पेजर्स बना लें। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ वन पेजर्स ही बनाएं, अच्छे से पढ़ें और कॉम्प्रिहेंसिव वन पेजर्स बना लें। वन पेजर का मेरा मतलब है कि जी दिस वन साइड ऑफ द पेपर, एक टॉपिक एक साइड ऑफ द पेपर पे पूरा हो। इस तरह से आपका हर सब्जेक्ट जो है वो 25 से 30 सफ़ों पे आपके रजिस्टर में या वर्ड फाइल में आपका कवर हुआ हुआ होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम्स में बैठेंगे तो होता ये है कि एक सुबह 9 बजे से 12 बजे एग्ज़ाम होता है, फिर 2-3 घंटे की ब्रेक होती है, उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक दूसरा एग्ज़ाम होता है। तो आपके पास अगर आप लेंथी नोट्स 200-300 सफ़ों पर बना लेंगे, आपके पास रिवीजन का टाइम ही नहीं बचेगा। ये आप 20-25 सफ़े जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, मैं कहता हूँ अगर आप इनको ही रिवाइज़ कर लेते हैं तो मतलब शाबाश है, मतलब बहुत कम लोग उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। मतलब दो पेपर एक दिन में होते हैं? दो एग्ज़ाम्स एक दिन में होते हैं। तो उसके बाद जब आप दूसरा एग्ज़ाम देने जाते हैं और वापस आते हैं तो आप यू लाइक एक्सट्रीमली टायर्ड, आप घर जाते हैं, आपका कुछ और करने को दिल नहीं करता, किताबों को तो देखने को भी दिल नहीं करता, बड़ी मजबूरी में आप रिवीजन कर रहे होते हैं। तो मेरा भी इसी तरह से था कि जाके मैं सुकून से 1.5-2 घंटे, 3 घंटे सोता था, उसके बाद उठ के कुछ 3-4 घंटे मैं रिवीजन करता था और फिर सो जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो ड्रेन आपकी हो चुकी होती है। तो इसलिए लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और लॉन्ग नोट्स इज़ ए डोंट। तो आप टू द पॉइंट नोट्स बनाएं जिसको आप फिर रिवीजन करते जाएँ और आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी उसके हवाले से बन जाए। एक डोंट मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया है कि लोग CS समझते हैं कि जी CSS जो है वो किताबें जितनी आप पढ़ लेंगे उतना आपके पास नॉलेज ज़्यादा आ गया और उसका आपका जो है वो CSS हो जाएगा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस अगर एक सब्जेक्ट है, उस पर करोड़ों किताबें हैं पूरी दुनिया के अंदर, अकाउंटिंग पे करोड़ों किताबें हैं, आपके इस्लामिक स्टडीज़ पे हज़ारों करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, आप सारी नहीं पढ़ सकते, इवन आप रिकमेंडेड बुक्स नहीं पढ़ सकते। तो आप बुक्स के पीछे ना जाएं, आप बुक्स को कंसल्ट ज़रूर करें टॉपिक्स को कवर करने के लिए। जो FPSC ने सिलेबस दे दिया है उसको रिलीजियसली फॉलो करें और सिर्फ वो सिलेबस कवर करें, जो इस तरह मैंने 70% और 30% की आपको डिवाइड बताई है। एक डोंट और है कि जी लोग CSS की तैयारी करते वक्त पहले वो समझते हैं कि जी पहले तो हम थोड़ा सा ना अपना बैकग्राउंड बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, उनके कैपिटल्स कौन से हैं, करेंसियाँ क्या हैं, तो वो सारा टाइम यही याद करते रहते हैं कि जी कैपिटल्स कौन से हैं, करेंसीज कौन सी हैं, और किस कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, किस कॉन्टिनेंट में सबसे गहरी लेक कौन सी है, कौन किस मुल्क के साथ किस किस के बॉर्डर लगते हैं। आई नो सम हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट अगर आप CSS की तैयारी की। अगर आपने वन पेपर्स के कोई एग्जाम्स देने हैं तो फिर जितनी मर्जी तैयारी करते रहें, पूरी दुनिया आपके लिए भरी हुई है। लेकिन CSS इज़ ए डिफरेंट एग्ज़ाम। CSS करने के लिए आपको
उतना नॉलेज चाहिए जितना आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड है। सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करते हुए जो नॉलेज, जो कैपिटल्स, जो करेंसीज, जो आपके पास माउंटेन हिल्स लेक्स जो भी आपके आपके सामने आता है उसको आप याद कर लें। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा जी कि सारी दुनिया के मुझे माउंटेन्स पता होना चाहिए, सारी दुनिया के मुझे करेंसीज पता होने चाहिए, सारी दुनिया के मुझे कैपिटल्स पता होना चाहिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैडम मैंने अपने साथ देखा कि चार चार महीने तो अपना बैकग्राउंड ही बनाते रहते हैं कि जी मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बनेगा तो मैं तैयारी शुरू करूँगा ना भाई। फ्रॉम द डे वन आपको अपना सिलेबस, बस टॉपिक्स, ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया, ये टॉपिक कवर हो गया, तो आपको अपने टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के कवर करने हैं। अगर जितनी मर्जी करेंसीज याद कर लें आपका सीएसएस नहीं हो सकता, अगर आप टॉपिक्स कवर करेंगे तो फिर आपका सीएसएस होगा। सर इसके बाद ये कि जब आपका रिटन एग्जाम पास हो गया उसका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपने प्रिपरेशन करनी होती है इंटरव्यू की जी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मतलब मोस्टली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नर्वसनेस की बात होती है कि इंटरव्यू देने हैं, वो भी ऑफिशियल्स के सामने जिन्होंने सिर्फ आपकी आपको आपकी नॉलेज के बेसिस पे जज नहीं करना, आपके जेस्चर्स पे, आपकी बैठने के स्टाइल पे, आपकी प्रॉपर नाउंस पे, आपकी इंग्लिश पे, हर एक चीज़ पे आपको जज करना है। तो वो वहाँ पर मतलब क्या एक एटमॉस्फेयर होता है और क्या आप में क्या नर्वसनेस थी जब आप इंटरव्यू के लिए गए थे? जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो जिस तरह से रिटन का मैंने आपको बताया कि ये तरीका है रिटन पास करने का, तो आई डिडंट नो कि इंटरव्यू पास करने का क्या तरीका है। उसके लिए मैं कुछ मेंटर्स के पास गया, मैंने उनसे गाइडेंस ली कि जी क्या किया जाए, व्हाट इज़ द वे और किस तरीके से आगे तैयारी की जाए। तो जब आप कुछ एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हैं तो आपको बेसिक चीज़ों की समझ आने लग जाती है। मैडम आपने खुद ही बता दिया कि जी आपका नॉलेज भी टेस्ट किया जाता है, आपके आपके जेस्चर्स भी टेस्ट किए जाते हैं, आपकी बैठने का तरीका, उठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, हर एक चीज़ आप में आपकी पर्सनैलिटी जाँच की जाती है। तो इसमें ये है कि ये एक मुझे नर्वसनेस थी कि क्रैक किस तरह से किया जाए। उस पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनकी गाइडेंस ली और उसके बाद मैंने तैयारी करना शुरू कर दी। तैयारी करते हुए आपको अपनी डिग्री जिसमें आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जिसको आपने ऑप्ट किया सीएसएस के लिए, आपका करंट अफेयर्स पे नॉलेज, इंटरनेशनल अफेयर्स पे नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स पे नॉलेज, आपका हिस्ट्री पे कितनी आपके ग्रिप है, ये भी इन द रिसेंट ईयर्स ये काफ़ी मैटर करती है। उसके अलावा आप कितने काम हैं, कितने कंपोज्ड हैं, कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, पर्सनालिटी वाली मैडम चीज़ें आ गई, और क्या आप नर्वस तो नहीं हैं, या अगर आप नर्वस हैं तो वो कितनी जल्दी आपकी नर्वसनेस चली जाती है, क्या आप परसेंट तक आप नर्वस ही रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और इंटरव्यू के लिए मैं आई वुड रिकमेंड कि आप बस जितने मैक्सिमम तैयारी करें और फिर मॉक्स दें। किसी को भी अपने बहन भाई को सामने बिठा लें जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, या अपने किसी दोस्त को सामने बिठा लें, उसको बोलें कि जी आपको ग्रेल करें। लाजमी नहीं है कि आपने अकेडमीज़ में ही जाना है और आपने पैसे ही भरने हैं। किसी अपने अच्छे समझदार दोस्त को बिठा लें, अपने किसी टीचर के पास चले जाएँ, उनको बोलें जी कि आपको ग्रेल करें, बेसिक आपसे क्वेश्चन करें कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विस, या आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया है, आप अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इधर क्यों आना चाहते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। आपको अपने बारे में बहुत अच्छा पता होना चाहिए अगर आप इंटरव्यू को एक्सेल करना चाहते हैं। ठीक है सर, इसी के साथ एक एंडिंग नोट उन एस्पायरेंट्स के लिए जो मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और वो इसी साल जो है सीएसएस का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनके बस सिलेबस को रिलीजियसली फॉलो करें, ये छोड़ दें करेंसीज, कैपिटल्स और ये सारा कुछ चीज़ें याद करना। जनरल नॉलेज जो आपका जीके है वो ऑटोमेटिकली तैयारी के साथ साथ डिवेलप होता जाएगा, और बस ये है कि अल्लाह ताला पे पुख्ता ईमान रखें। ये सिर्फ काबिलियत का नहीं, कबूलियत का भी एग्ज़ाम है। मेरे साथ मैडम 38,000 लोगों ने अप्लाई किया था, आधे लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, ऑलमोस्ट 18,500 ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से हम वी आर द लकी वंस जो 221 लोग पास हुए हैं। अब हम जो 221 लोग पास हुए हैं लाजमी नहीं कि जी हम सबसे ही कॉम्पिटेंट हैं, कुछ सिस्टम के भी फ्लॉज होते हैं। उसकी वजह से मैं समझता हूँ सीएसएस में 10% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं होता, और फिर आगे कबूलियत का टाइम है। अल्लाह ताला जिसकी मेहनत को कबूल कर ले, अल्लाह ताला को लाइक ही नोज़ द बेस्ट फॉर एवरीवन, किसको कब चीज़ किस टाइम पे देनी है।
तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये माइंड में रखिए कि अगर आप कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका ड्रीम मिल जाएगा। अगर CSS में आप कामयाब नहीं होते तो कीप इट इन योर माइंड कि ये आपकी बेहतरी के लिए है और आप किसी और चीज़ में और ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हर एक का रोल डिफाइन किया हुआ है ना, तो बस ये है कि बस डिसहार्ट नहीं होना, मोटिवेशन को आपने लूज़ नहीं करना और रोज़ कंसिस्टेंट रहना है। जब बेटा मैंने इनिशियली तैयारी शुरू की ना, मैंने इस तरह से तैयारी शुरू की कि रोज़ के मैं 15-15, 16-16 घंटे में पढ़ता था, 3 दिन में थक गया। फिर मुझे कोई हफ्ते की ब्रेक चाहिए थी, उससे पहले मेरे जो है ना वो होश बहाल नहीं हुए। तो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इस तरह से करना है जी कि आप 6-7 घंटे रोज़ ही अगर आप पढ़ रहे हैं, फिर आप ब्रेक लें, फिर आप कोई मूवी देख लें, फिर आप कोई किताब एक्स्ट्रा पढ़ लें, आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो आपने इसको एज अ जॉब लेना है कि जी 9 to 5 जॉब है और 5 to onwards रात को 12 बजे तक आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो उसको आप उसको भी इंजॉय करें। इससे आप थकेंगे नहीं, इससे आपकी मोटिवेशन डाउन नहीं होगी। फिर आप ग्रुप स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं, अगर आप इसको मान लेंगे तो आपकी CSS की तैयारी जो है वो आसान हो जाएगी। सर, मैंने ये भी सुना है कि जो CSS के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, कुछ ही हैं जिनकी तरफ लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादा है और बाकी की तरफ इतना नहीं है, तो उस पर आपकी क्या राय है? उस पर मेरा ये ओपिनियन है कि हर ग्रुप का की एक अपनी स्पेशलिटी है। हर ग्रुप, आप जिस तरह आप DMG की बात करते हैं या पुलिस की बात करते हैं, तो उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड वी हैव ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में आपने पॉलिसी लेवल पॉलिसी मेकिंग भी करनी होती है, हायर लेवल पे आपकी रिकमेंडेशन से बहुत सी पॉलिसीज बन रही होती हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो रहा होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, कभी आप एक मिनिस्ट्री में होते हैं, कभी आप दूसरी मिनिस्ट्री में होते हैं, आप डेप्यूटेशन पे प्रोविंसेस में भी आ जाते हैं। तो जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस को या जो खवातीन वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत प्रेफर करती हैं, तो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जिस तरह मैंने अभी आपको बताया वो बहुत अच्छा है। रेलवेज़ बहुत अच्छा है, रेलवेज़ में आप पूरी कंट्री की रेलवेज़ के लिए की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। रेलवेज़ किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंशाल्लाह इन द फ्यूचर पाकिस्तान इज़ आल्सो गोइंग टू इम्प्रूव इट्स रेलवे नेटवर्क लाइक टू द फार एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो उस पर भी काम करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर इसके पर्क्स ये हैं कि जी आपकी फैमिली को फ्री ट्रैवलिंग मिलती है और आपको भी थ्रू आउट द कंट्री। तो इसी तरह से रेवेन्यू ग्रुप है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस। अब अगर वो अपनी जॉब ना करे सही तरीके से, मतलब अगर वो ग्रुप ना हो तो हमें सैलरीज ही ना मिलें, वो टैक्स ही कलेक्ट ना करें, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं उनको सैलरीज ही नहीं मिल सकती वो। और इसीलिए इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस का यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है। उसके अलावा भी IRS में काफ़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और ये है कि उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इनलैंड रेवेन्यू सर्विस इज़ एन अमेजिंग सर्विस। उसके अलावा आपके हमारे पास पोस्टल है, किसी भी कंट्री की कम्युनिकेशन में एयर कम्युनिकेशन उसकी जो है वो जो कोरियर्स होते हैं, जो डाक जिसको हम सरकारी ज़ुबान में कहते हैं वो होती है, अगर वो सही तरीके से ना चला सकें तो सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है ना वो मैं समझता हूँ कोलैप्स कर जाती है। इसके अलावा हमारे जो पोस्टल सर्विस है उसके बहुत अच्छे रेस्ट हाउसेस भी हैं, तो जो पोस्टल सर्विस ऑप्ट करना चाहते हैं तो इट्स एन अमेजिंग सर्विस। उसके अलावा कॉमर्स एंड ट्रेड है, आप इकॉनमी में ट्रेड में और हमारे मुल्क का तो बहुत ये बड़ा मसला आजकल बना हुआ है इकॉनमी और ट्रेड का। तो अगर हम जो भी मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कॉमर्स एंड ट्रेड जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी है, फॉरेन ट्रेनिंग्स भी हैं, आप कमर्शियल अटैचे के तौर पे बाहर एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में भी आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन ग्रुप है, आप डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ या सेक्रेटरीज के साथ आप PROs लगते हैं, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी फॉरेन पोस्टिंग्स, इवन UN में भी इंफॉर्मेशन ग्रुप के लोग जाते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, पूरी कंट्री में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तहसील लेवल पे भी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट करना, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है करप्शन को कम करने के लिए, तो ऑडिट एंड अकाउंट्स इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर सैलरी को टाइमली ऑफिसर्स के अकाउंट्स में भेजना या ऑफिशियल्स के अकाउंट्स में भेजना, ये भी ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ही करता है। उसके अलावा फॉरेन सर्विस है, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, आपकी मोस्टली फॉरेन पोस्टिंग्स होती हैं और आप फॉरेन पॉलिसी को संभाल रहे होते हैं। कस्टम्स है, बाहर से जितनी चीज़ें आनी है कस्टम्स की, कस्टम टैक्स और जो सारी आपकी ड्यूटीज़ वगैरह उनको कलेक्ट करना और फिर स्मगलिंग को और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन सब के ऊपर
कस्टम्स काफ़ी अच्छा काम कर भी रहा है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा। पीएसपी है पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करना होता है वो पुलिस करती है। और फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जहाँ जिसमें मेरी एलोकेशन हुई है, उसको हम पहले डीएमजी भी कहते थे। तो डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एक प्रोविंस या नेशनल लेवल पर, तो वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको देखता है। इफ़ आई हैव स्किप्ड सम ग्रुप तो उसके लिए आई अपोलोजाइज, लेकिन ये है कि व्हाट आई वांट टू कन्वे इज़ कि हर ग्रुप के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई ग्रुप किसी से सुपीरियर नहीं होता और कोई ग्रुप किसी से अच्छा नहीं होता। अब मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मेरी कुछ फीमेल कोलीग्स हैं, कुछ मेल कोलीग्स हैं जो कि पुलिस और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेफर नहीं करते। वो इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ, ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो वो कस्टम्स को प्रेफर करते हैं, वो फॉरेन सर्विस को कुछ प्रेफर करते हैं, कुछ पाकिस्तान में नहीं बाहर पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व करना चाहते हैं तो वो फॉरेन सर्विस इंफॉर्मेशन ग्रुप में चले जाते हैं। तो हर एक ग्रुप की अपनी एक खसूसियत है, अपना एक चार्म है। तो कोई ग्रुप किसी से जो है वो ना ऊपर है ना नीचे है, बस ये कुछ हमें सामने काम करते हुए नज़र आ जाते हैं और कुछ अनसंग हीरोज़ की तरह पीछे बैठ के मुल्क के लिए पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। दिस वाज ऑल, मोस्ट वेलकम। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ प्रोग्राम। कीप वॉचिंग ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।